पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाईसी के दालकोला चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान 5 किलो 840 ग्राम सोने का बिस्किट बरामद किया गया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,53,00,000 रुपए कीमत आंकी जा रही है। सिलीगुड़ी से पटना सप्लाई करने के दौरान तस्कर को दबोचा गया है। पूर्णिया SP आमिर जावेद ने इसके पीछे बड़े गिरोह के होने का शक जताया है, जिसकी जाँच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बिस्किट पर UAE की मोहर लगी है। गिरफ्तार तस्कर महाराष्ट्र के सोलापुर का रहने वाला है। एक्चुअली कल शाम में डलकोला चेक पोस्ट पर जब जांच रूटीन जांच किया जा रहा था, तो उसी जांच के क्रम में सिलीगुड़ी से एक आ रही थी बस, उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध पाए गए। उनको जब चेक किया गया तो वो पेट में बांधे हुए थे। उसमें जब उनको चेक करने पर सोने का बिस्कुट बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 5 किलो 800 ग्राम के करीब है, जिसका मार्केट वैल्यू आज के डेट में 3,53,00,000 रुपया है। इसके संबंध में उन्होंने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। वो चूँकि संदिग्ध रूप से पेट पर बांध के ले जा रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि हम एक कुरियर का काम करते हैं, जो सिलीगुड़ी से हमको माल सप्लाई ले उठाना था और ले जा करके हमको सप्लाई करना था पटना, पटना से फिर आगे दूसरी टीम उसको ले जाने वाली थी। तो ये मामला संदिग्ध था, हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया, सामान प्रोड्यूस करके हम लोग कोर्ट में इसको प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और मामला अनुसंधान में। गिरफ्तार व्यक्ति महाराष्ट्र सोलापुर के, उनका सोमनाथ, सोमनाथ उनका नाम, सोमनाथ सिलीगुड़ी। ये उन्होंने कहा, हम बताते हैं, उन्होंने अभी तक नहीं, अभी सब अनुसंधान में है। अभी तक जो उन्होंने बताया बरामदगी आपको बता ही दिए हमने कि 5 किलो 800 ग्राम है, 24 कैरेट। बाजार कीमत इसकी 3,53,00,000 आज के डेट में। ये सब अभी अनुसंधान, अभी 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 ये अनुसंधान, ये अभी अनुसंधान का विषय है, अभी इस पर हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्कर है क्या? ये जो ब्रांड इस पर लगा हुआ है, ये UAE का ब्रांड है, UAE का ब्रांड है, जो गोल्ड पर ब्रांड है। ये दलकोला चेक पोस्ट सिलीगुड़ी से लेकर कहाँ लेके जा रहा? तो इनका जो कहना है, जिस पर अभी तक जो हम लोगों ने जो कुरियर है, ये इनको पटना में कहीं आके देना था, लेकिन ये सब चीज अभी इन्वेस्टिगेशन में खुली है, क्या होने वाला बता दें। नहीं, ये सब चीज अभी चूंकि शुरुआत ही अनुसंधान है, अभी हम लोग आगे तक जाएंगे तो फिर आगे आप लोगों को डिटेल दे पाएंगे। कुरियर कंपनी नहीं है, कुरियर जो सप्लाई करने वाला लड़का होता है उसको कुरियर बॉय बोला जाता। बिल्कुल बगैर गिरोह के 3,53,00,000 का सामान इधर उधर ले जाना तो संभव नहीं है। सिलीगुड़ी पटना बस्ती, इनके अनुसार, ये जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पहली बार कर रहा था, लेकिन हम उनकी बात पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितनी बड़ी सफलता मान रही है? सफलता तब होगी जब इसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, ये पता चल जाए कि इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या था, कहाँ से ये सोना आ रहा था और कहाँ जाना था, कोई और एंगल भी तो इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आएगा। इस गाड़ी से जा रहा था सभी? बस। सर, पुलिस को इसके बारे में पहले से कुछ जानकारी थी या फिर अचानक ऐसा था? रूटीन जांच हम लोग करते ही रहते हैं, वहाँ टकला चेक पोस्ट हमारा, वैसे भी जांच वहाँ रूटीन जांच हो रहा है, जांच होती ही रहती है। बैग में था सर? पहली बार पकड़ा है। चलिए।